हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुकन्या और आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ होम रेमेडीज के बारे में जिसे आप ट्राई कर सकते हैं जब आपके बेबीज के दांत आने वाले होते हैं। तब बेबीज का जो पूरा टीथिंग का प्रोसेस होता है, कैसे होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं, इन सभी चीजों पे मैंने डिटेल से वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप वहां से मेरे उस वीडियो को देख पाएंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। फ्रेंड्स, जब बेबीज के दांत आने वाले होते हैं तो उनके लिए टाइम बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है, बहुत दर्द हो रहा होता है। कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिसे देखकर आप पता कर सकते हैं कि आपके बेबीज के जो है दांत आने शुरू हो गए हैं। लाइक बेबीज के रेड गम्स हो जाते हैं, मसूड़े फूल जाते हैं, मसूड़े सूज जाते हैं, वो अपने कान मरोड़ने लगते हैं, कुछ भी चीजों को उठाकर मुंह में डालने की कोशिश या फिर कतरने की कोशिश करने लगते हैं। बहुत बच्चे का वेट लॉस होना शुरू हो जाता है और फीवर, दस्त या फिर वॉमिटिंग की भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारी सिम्टम्स हैं जिसे देखकर आप पता कर सकते हैं कि जो बेबी की टीथिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट होने वाली है। बेसिकली जो फीवर, वॉमिटिंग या दस्त की जो प्रॉब्लम होती है टीथिंग के दौरान, वो टीथिंग का उससे कोई मतलब नहीं होता है। ये बेसिकली इन्फेक्शन के कारण होता है क्योंकि जब बच्चे के दांत आने वाले होते हैं तो बच्चे को कुछ भी कतरने का या फिर चबाने का मन होता है, जिसके कारण क्या होता है कि बच्चे कुछ भी जो है गंदी चीज अपने मुंह में डाल लेते हैं और उनको उससे इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फेक्शन की वजह से उन्हें जो है फीवर और वॉमिटिंग या फिर दस्त की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए आपको उस टाइम साफ सफाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, हाइजीन बिल्कुल मेंटेन करके रखना है। जो टीथिंग का प्रोसेस होता है वो बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है, उसमें किसी भी मेडिसिन की जरूरत नहीं है। बस आप कुछ होम रेमेडीज ट्राई कर सकते हैं जिससे जो आपका टीथिंग का, आपके बेबी का जो टीथिंग प्रोसेस है वो थोड़ा आसान हो जाए, बेबी को जो तो पेन हो रहा होता है उससे उसे थोड़ी आराम मिल जाए। तो क्या क्या होम रेमेडीज है जो हम ट्राई कर सकते हैं टीथिंग प्रोसेस के दौरान? जो पहली होम रेमेडी है वो ये है कि मसूड़ों की मसाज करना। आप अपने बच्चे के जो है मसूड़ों की मसाज करें, उसके लिए आपको सिंपली जो है अपने हाथों को अच्छे से धो लेना है हैंड वॉश से, और उसके बाद अपनी उंगलियों से हल्की हल्का दबाव बनाकर बच्चे के मसूड़ों पर मसाज करें, जिससे बच्चे को बहुत आराम मिलेगा। जो दूसरा होम रेमेडी है वो है गीला कपड़ा। आप अच्छा सा साफ सा कपड़ा जो है उसे ले लें, उसे थोड़ा सा गीला करके फ्रिज में डाल दें, फिर वो जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद उसे बच्चे को दे दे चबाने के लिए। तो जब उसे बच्चा चबाएगा तो उसके मसूड़ों का एक्सरसाइज होगा और उसके जो दांतों में जो पेन हो रहा होता है या फिर जो उसके मसूड़ों में जो पेन हो रहा होता है उससे उसे बहुत रिलीफ मिलेगा। जो थर्ड होम रेमेडी है वो ये है कि आप अपने बच्चे को नेचुरल टीथर दें। मार्केट में बहुत सारे टीथर अवेलेबल हैं लेकिन आप अपने बच्चे को नेचुरल टीथर दें। नेचुरल टीथर देने के लिए आप सिंपली गाजर ले सकते हैं, खीरा ले सकते हैं, उसकी लंबी लंबी स्लाइस काट दें, उसे फ्रिज में डाल दें 15-20 मिनट के लिए, फिर जब ये ठंडा हो जाएगा तो उसे बच्चे को दे दें। इससे क्या होगा कि उससे अगर बच्चा खाएगा तो उसे उससे एनर्जी भी मिलेगा और उसे दबाने से जो उसे दर्द हो रहा होता है उसे भी उसे आराम मिलेगा। लेकिन आपको खीरा या खीरा जो भी आप बच्चे को दे रहे हैं, आप उसे वो चीज तभी दें जब आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा हो, क्योंकि 6 मंथ्स के बाद ही बच्चे को ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस करनी होती है। जो फोर्थ होम रेमेडी है वो है बॉटल। बॉटल भी आप बच्चे को दे सकते हैं। अगर अपने बच्चे को बॉटल फीडिंग करा रहे हैं तो सिंपली अपने बॉटल को जो है अच्छे से स्टरलाइज कर लें और स्टरलाइज करने के बाद उसे फ्रिज में डाल दें। फ्रिज में डालना है आपको, लेकिन उसे उल्टा करके डालना है ताकि जो बॉटल की निप्पल है वो सख्त हो जाए, और जब वो सख्त हो जाएगी फिर आप उसे बच्चे को दें, जिससे बच्चे को ठंडा ठंडा भी लगेगा और वो जब उसे मुंह में लेगा तो उसे वो जब दबाएगा तो उसे जो मसूड़ों में पेन हो रहा है उससे भी उसे आराम मिलेगा। जो फिफ्थ होम रेमेडी है वो ये है कि चूंकि जब बच्चे के दांत आने वाले होते हैं तो बच्चे का जो है वेट लॉस होना भी शुरू हो जाता है, तो उस टाइम बच्चे को कुछ एनर्जेटिक डाइट की जरूरत होती है। तो इसके लिए आप कुछ वेजिटेबल्स जूस बना लें, उस वेजिटेबल्स जूस को या फिर वेजिटेबल प्यूरी को ठंडा कर दें और फिर बच्चे को दें। इससे बच्चे को एनर्जी भी मिलेगी और बच्चे को ठंडा ठंडा जब खाने के लिए मिलेगा तो बच्चे के जो मसूड़ों में पेन हो रहा था उससे भी उसे आराम मिलेगा। तो ये सारी होम रेमेडीज हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं जब आपके बेबीज के दांत आने वाले होते हैं। तब ये सारी चीजें पूरे ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें अगर आप अपने बच्चे को देंगे तो आपके बेबीज के दांत बहुत स्मूथली आ जाएंगे, लेकिन उस टाइम जो बच्चे को पेन हो रहा होता है उसे उसमें थोड़ा आराम जरूर मिलेगा और बच्चा अच्छा फील करेगा। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि आपके बेबीज का जो है दांत होने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा है, तो आप अपने एक बार डॉक्टर से जरूर मिले, वो जो भी सजेशंस दे रहे हैं उसे जरूर फॉलो करें, तो अपने बेबीज की जो है ये टीथिंग प्रोसेस को एंजॉय करें। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।